गुड मॉर्निंग। अब आज आप लोग पढ़ेंगे सदिश में, पीछे तक आप लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। और आज हम ये बताना चाहेंगे कि सदिश योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। त्रिभुज नियम जो होता है और समांतर चतुर्भुज नियम दोनों क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। समतुल्य होते हैं मतलब ये हुआ कि चाहे त्रिभुज नियम लगाया जाए चाहे चतुर्भुज नियम लगाए, दोनों में एक ही मान आता है ना। ऐसा नहीं कि त्रिभुज नियम लगाओगे तो कुछ और आएगा, चतुर्भुज नियम लगाओगे तो कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये कि ये कि सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। फिर सदिश योग का गुण में बताना है कि सदिश का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सदिशों का योग जो होता है वो सहचर नियम का पालन करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक तीन है, सदिश के योग का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम समतुल्य होते हैं, और सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और सदिशों का योग सहचर नियम का पालन करता है। ये तीन टॉपिक आज आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो प्रश्न लिखिए, सदिश योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम समतुल्य होते हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम समतुल्य होते हैं, सिद्ध कीजिए, है ना। प्रश्न में कहा जा सकता है सिद्ध कीजिए, मान लो ऐसा लिखा जा सकता है, यानी सिद्ध कीजिए कि सदिश योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम समतुल्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। त्रिभुज नियम में हमने ये बताया है, अब जिसको पीछे से यदि ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको पीछे का लेक्चर देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे हम शॉर्ट में बता देते हैं त्रिभुज नियम चतुर्भुज नियम, वैसे इसका वीडियो पीछे देख सकते हो। त्रिभुज नियम में क्या होता है ये बताया गया है, सुनिए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिश मान लिया जाए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिश मान लिया जाए, तो उन दोनों सदिशों का जो योगफल होता है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है, त्रिभुज की। ये डिटेल के लिए आप पीछे टॉपिक वीडियो बना हुआ है। और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिशों को चतुर्भुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए, यदि चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए, तो उन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो विकर्ण होता है। उन दोनों का जो परिणामी होता है वो क्या होता है, विकर्ण होता है, जो कटान बिंदु से होकर जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, जो कि पीछे हमने पढ़ाया है पीछे लेक्चर में, ठीक है ना। तो एक चित्र बनाते हैं, यहाँ देखिएगा, पहले देखना, ये रहा ये ये ये, ठीक। हम पी क्यू आर एस ये ले लिए और ये, ठीक है ना। पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसकी जो संलग्न भुजा है, संलग्न एक दूसरे से जुड़ी भुजा, उसकी जो संलग्न भुजा है वो कौन है, पी क्यू और पी एस, पी क्यू और और यहाँ पर पी एस पी क्यू को हम ले लेते हैं वेक्टर ए, और पी एस को ले लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज है तो ये और ये बराबर ही होंगे, तो ये ए है तो ये भी क्या होगा, और ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इतना चतुर्भुज का नियम ये कहता है, चतुर्भुज नियम ये कहता है कि
इन दोनों का जो योगफल होगा वो विकर्ण होगा। इन दोनों का योगफल जो होगा वो कौन होगा, मतलब इसका इसका योगफल कौन कहलाएगा, पी आर। कौन कहलाएगा, पी आर। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है। और यदि मान लीजिए हम पी क्यू आर त्रिभुज ले लें, पी क्यू आर, तो इन दोनों का योगफल ये तीसरी भुजा होगी। त्रिभुज की बात करें तो इन दोनों का योगफल कौन भुजा होगी, तीसरी भुजा। यानी तो ए प्लस बी करते हैं चतुर्भुज नियम से, चतुर्भुज नियम से करते हैं तो ए और बी का योगफल क्या आता है, विकर्ण यानी पी आर। कौन आता है, जब चतुर्भुज नियम लगाते हैं तो ए प्लस बी बराबर आता है पी आर। और जब इसी में हम त्रिभुज नियम लगाते हैं इस वाले में तो भी ए प्लस बी बराबर कितना आता है, तो क्या कन्फर्म हुआ, हमने ये देखा कि चाहे त्रिभुज नियम लगाएं चाहे दोनों में एक ही आर है, इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, समतुल्य होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है ना, तो देखो लिखो, चित्र बना लिए, थोड़ा जल्दी बनाइए, हम लिख भी रहे हैं। मान लिया पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः पी क्यू बराबर वेक्टर ए, पी एस बराबर वेक्टर बी तथा कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण पी आर है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न हो जाए क्रमशः पी क्यू बराबर वेक्टर ए और पी एस बराबर वेक्टर बी है तथा कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण पी आर है। तो समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से पी क्यू प्लस पी एस बराबर पी आर यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर पी आर, समीकरण नंबर ए। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः पी क्यू बराबर एस आर बराबर ए तथा पी एस बराबर क्यू आर बराबर बी, तब त्रिभुज पी क्यू आर में सदिश योग के त्रिभुज नियम से पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम लगाएंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर पी आर। अब देख लो क्या क्लियर हुआ, ये हुआ कि चतुर्भुज नियम लगाए तो भी ए प्लस बी बराबर पी आर आया, और त्रिभुज नियम लगाए तब भी ए प्लस बी बराबर पी आर आया, जिससे हाँ सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर जो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो पी क्यू बराबर ये
ठीक है, अतः स्पष्ट समीकरण एक दो से, समीकरण एक व दो से स्पष्ट है कि सदिश योग का चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम समतुल्य होते हैं। ये समीकरण एक व दो से स्पष्ट है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम समतुल्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस वीडियो में आप लोग इतना ही, अगली वीडियो अब यानी जो हमने बताया योगफल क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम के लिए आप लोग अगले वीडियो में देख पाएंगे। अभी इस चैप इसमें इतना ही। थैंक यू।